हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आज के बाद तुम मेरी माता नहीं, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसे मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता, हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकई का त्याग कर दिया। ना। क्या बात है माता, ये आज कैसे वस्त्र पहने? आपके आभूषण कहां है? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है, क्या हुआ मातेश्वरी? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है, ये पूरा राजमहल इतना सोना क्यों हो गया है? कहां है महाराज, कहां है मेरे पिताश्री? बताओ माता, कहां है पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है एक न एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार के। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था, वो मेरे सारे अपशगुन, सारे दुःस्वप्न सच हो ही गए, अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही गई माता। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है, ये भावी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष भावी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। माँ, मैं कितना अभागा हूं माँ,
अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, पिताजी आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। मां, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था। उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ मां, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ मां, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं, परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या? माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहां थे? वन में। वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्म परायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता, यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है। मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता।
क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से दो वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे दो वर दिए थे, कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्य अभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा, कैकेयी का पुत्र भरत तो यहां है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना दे। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बिचारी बंथरा ने इस काम में मेरी पूरी सहायता की। उसी ने यह रास्ता सुझाया, उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संभाल ली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था। किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग से धार गए। मैं जानती हूं पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है, वो तो हम सबको है। महाराज तो अब लौट कर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हो। ये निष्कंटक राज तुम्हारा है, इसीलिए कहती हूं अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन संभालो। राजन, भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो, सदाचारी हो, तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है। रहे हो, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोट कर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपहेश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्रीराम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी पापन कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे,
वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसे मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है? लोभ? लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है, जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है। राक्षसी भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूं भरत, तेरी माँ हूं। नहीं, नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। भरत, यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकई का त्याग कर दिया है। ना। और पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कह गई, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। भरत, पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है। परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा यह कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। मुझे क्षमा कर दे मेरे।